बाड़मेर के समदड़ी में दिन ब दिन प्रवासी राजस्थानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। उनके होम क्वारंटाइन की शिथिल व्यवस्था के कारण कस्बेवासियों में भय का माहौल है और इसे लेकर कस्बेवासियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया, जिसके बाद जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें प्रवासियों को आबादी क्षेत्र से बाहर कड़ी निगरानी में क्वारंटाइन करने की मांग की। और इस मौके पर राम सिंह करनोत, समाजसेवी राहुल गुप्ता और एडवोकेट अशोक सिंह राजपुरोहित सहित कई लोग मौजूद रहे। ज्ञापन दिया है माननीय जिला कलेक्टर जी को दिया है और मार्फत तहसीलदार जी के दिया है। इस ज्ञापन में यही बताया है कि जो कोरोना महामारी के कारण राजस्थान से बाहर जो प्रवासी आ रहे हैं, उनको जो होम आइसोलेशन किया जाता है, होम क्वारंटीन किया जाता है, उनको किसी निश्चित जगह पर एक जगह पे क्वारंटीन किया जाए, 14 दिन वहाँ पे रखा जाए, जिससे उनकी जो भी है बीमारी वगैरह पता चल जाए, उसकी उचित जांच करने के बाद उनको वापस घर भेज दिया जाए। क्योंकि ये जो बीमारी है लाइलाज बीमारी, इनके अभी तक इलाज नहीं मिला है। इसकी एक ही बसाव है, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी रखी जाए और उस दूरी के लिए ये सख्त से सख्त जरूरी कदम है। अभी कहाँ रुकवाया जा रहा है उन प्रवासियों? अभी इनको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है, अपने घरों में रखा जा रहा है, जिसमें सही पालना नहीं हो पा रही है। और ये समदड़ी जो तहसील क्षेत्र है वो आबादी से घना क्षेत्र है। खबर राजधानी के कोटपुतली से है, जहां फोन को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने महिला पर